नमस्कार दोस्तों, इससे हेल्दी आपका स्वागत करता है। दोस्तों, बोन्स हमारी बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए जितनी बोन्स स्ट्रांग होंगी आप उतने ही फिट और हेल्दी रहेंगे। मगर आजकल देखा जाता है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, यंगस्टर और ओल्ड सिटीजन सही डाइट का यूज़ नहीं करते हैं, जिससे उनकी बोन्स वीक होने लगती हैं और उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या हो जाती है। दोस्तों, कुछ हेल्दी फूड्स को डाइट में ऐड करने से आप अपनी बोन्स को वीक होने से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो फूड्स जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन हाई मात्रा में होने के साथ विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स को डाइट में ऐड करने से बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं। फिश यानी कि मछली। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो बोन्स ज्वाइंट से स्वेलिंग को खत्म करने में हेल्प करता है। रोजाना मछली खाने से ज्वाइंट पेन में रिलीफ मिलता है। प्रोटीन। प्रोटीन बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट कोलेजन फाइबर के प्रोडक्शन से हेल्प करता है, इसीलिए ऐसे फूड्स का रेगुलर डाइट में यूज़ करना जिनमें हाई प्रोटीन होता है बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मिल्क यानी दूध। मिल्क में कैल्शियम हाई मात्रा में पाया जाता है, जिससे मिल्क का रेगुलर यूज़ करने से बोन्स सभी डिसीज से प्रिवेंट रहती हैं। कर्ड यानी दही। दूध की तरह कर्ड यानी दही में भी कैल्शियम हाई मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, जिससे ये बॉडी में टिश्यूज़ की रिपेयरिंग और प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में भी बोन्स से रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो आज से ही इन फूड्स को अपनी डाइट में यूज़ करना स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।